नमस्कार, एडिटोरियल से संबंधित इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमने जिस एडिटोरियल को लिया है वह एडिटोरियल लिया गया है द हिंदू न्यूज़पेपर से, और इस एडिटोरियल का शीर्षक है नो वोट फॉर वीटो। और यह एडिटोरियल जीएस पेपर 2 में पॉलिटी वाले सेगमेंट के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं इस एडिटोरियल को विस्तार के साथ और देखते हैं कि इसमें अंतर्निहित या इंट्रिंसिक क्या बातें कही गई है। तो सबसे पहली बात यहां पर यह है कि अगर हम शीर्षक को देखते हैं नो वोट फॉर वीटो, तो उसके नीचे यहां पर लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट हैज डन बिल टू रिमूव द वीटो पावर ऑफ गवर्नर्स। इसका मतलब यहां पर यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा अच्छा काम किया है गवर्नर के या राज्यपालों के वीटो पावर को रिमूव करके। अब इसमें पूरे तरीके से जाने से पहले हम जरा दो अनुच्छेदों को देखते हैं। एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 200 और दूसरा है अनुच्छेद 201। अनुच्छेद 200 क्या है? विधेयकों पर अनुमति। अब देखते हैं इसे थोड़ा विस्तार के साथ। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि जब कोई विधेयक राज्य की विधानसभा के द्वारा या ऐसे विधानमंडल जहां पर कि विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी हैं, तो उन दोनों सदनों द्वारा अगर पारित किया गया है और तब वह राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल फिर यह घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। और फिर अनुच्छेद 201 की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है? विचार के लिए आरक्षित विधेयक। मतलब कि जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लिया जाता है, तब राष्ट्रपति यह घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। यहां एक बात याद रखनी होगी कि इसमें जो विधेयक है वह धन विधेयक नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं एडिटोरियल पर। देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है वह यह कही है कि संसदीय लोकतंत्र में राज्यपालों के पास विधायिका के द्वारा पारित विधेयकों पर एक तरफा वीटो नहीं होता है। और सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है, या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया गया जिसका यह सार है वह है पंजाब से संबंधित। पंजाब से संबंधित मतलब यहां पर यह है कि जब पंजाब विधानसभा के द्वारा एक विधेयक को पारित किया गया और वह विधेयक जब पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित के पास गया तो उन्होंने उस विधेयक पर अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने यह बात भी कही कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित जो विधेयक हैं या कुछ विधेयक हैं वह इसलिए उस पर सहमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि इन्हें सदन के अवैध सत्र में अपनाया गया। तब सर्वोच्च न्यायालय के पास यह मामला पहुंचा और सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 200 की व्याख्या करते हुए यह बात कही कि संसदीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांत के अनुरूप यह है कि विधायिका के प्रति उत्तरदायी एक निर्वाचित शासन राज्य के मामले को चलाता है या राज्य के मामलों को चलाता है। इसका सीधा सा मतलब यहां पर यह है कि राज्य के शासन को राज्यपाल नहीं चलाता है बल्कि विधानसभा चलाती है या विधायिका चलाती है जो प्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। उसी में आगे सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी बात कही है कि सहमति देना एक नियमित कार्य है। मतलब किसकी बात हो रही? राज्यपाल के द्वारा विधेयक पर सहमति देने की। और उसमें यह भी बात कही गई कि अन्य विकल्प, मतलब सहमति को रोकना या किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना, तो इस तरह के जो विकल्प हैं यह एक विवाद का विषय रहा है, यह सर्वोच्च न्यायालय का कहना है। वही हमने अनुच्छेद 200 को जो देखा अभी, उसमें क्या है? उसमें यह प्रावधान है कि जितनी जल्दी हो सके राज्यपाल विधेयक को, जैसे कि हमने पहले देखा, यदि वह धन विधेयक नहीं है तो पुनर्विचार के लिए सदन को लौटा सकता है। लेकिन जब विधेयक फिर से पारित हो जाता है जिसमें कि मान लें कि बदलाव किया भी गया है या वह बिना बदलाव के है, तो वह सहमति को रोक नहीं सकता है। कौन? राज्यपाल। और सुप्रीम कोर्ट ने अब सहमति को रोकने की शक्ति के प्रावधान को पढ़ा। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने यह बात कही कि जब भी राज्यपाल अनुमति रोकता है तो उसे विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधायिका को वापस भेजना होगा। तो इसका मतलब यहां पर यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार राज्यपाल या तो पहली बार में सहमति दे देंगे या विधेयक के दूसरी बार पारित होने के बाद ऐसा करने के लिए वह बाध्य होंगे कि वह विधेयक को सहमति दे ही, मतलब कि उस विधेयक पर अपने वीटो पावर का वह उपयोग नहीं करेंगे, उसका निलंबन नहीं करेंगे, उसको सस्पेंशन मोड में नहीं डालेंगे। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक इशारा किया है। क्या इशारा किया है? वह इशारा यह किया है कि राज्यपाल एक ऐसी प्रणाली में जिसमें मुख्य रूप से मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करने की आवश्यकता होती है,
राज्यपाल विधेयकों पर अपने एक्शन को रोक नहीं सकते हैं और उन्हें जल्द से जल्द कार्य करना चाहिए, मतलब उस विधेयक पर अपनी सहमति देनी चाहिए। यह स्पष्ट रूप से उन राज्यपालों के लिए एक फटकार है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो राज्यपाल यह मानते हैं कि निर्धारित समय सीमा के अभाव के कारण वे कैबिनेट या विधायी प्रस्तावों पर कार्रवाई में एक लंबे समय तक देरी कर सकते हैं, या यूं कहें कि किसी भी सीमा तक वो देरी कर सकते हैं। और जो हमने शुरुआत में यहां पर यह बात देखी थी कि पंजाब के राज्यपाल ने यह बात कही थी कि विधानसभा का जो विशेष सत्र है वह क्या था, अवैध था, और उस विशेष सत्र में विधेयकों को पारित किया गया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि जिस विधानसभा के विशेष सत्र को पंजाब के राज्यपाल उसे अवैध घोषित कर रहे हैं, उसे अवैध घोषित करने का कोई आधार नहीं है। वह इसलिए नहीं है क्योंकि एक स्थगित सदन को अध्यक्ष ने अपने दम पर बुलाया था। इसलिए श्री पुरोहित का यह कहना कि विधानसभा का विशेष सत्र अवैध था वह गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह बात भी कही कि जो पिछला सत्र था वह पिछला सत्र केवल स्थगित किया गया था, मतलब कि सत्रावसान नहीं किया गया था, इसीलिए विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा बुलाया गया विशेष सत्र अवैध नहीं है। अब सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय आया है उसके जो निष्कर्ष हैं, अगर हम उन निष्कर्षों को पढ़ें तो इस फैसले के दो पक्ष हैं। पहला वह है कि निर्वाचित शासन और केंद्र द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के बीच विवाद को अब समाप्त कर देना चाहिए। वह कब होगा? वह तब होगा जब विधानसभा के द्वारा या विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी राज्यपाल के द्वारा दी जाएगी। इसका मतलब है कि विधेयकों को मंजूरी देने के साथ ही यह विवाद समाप्त हो जाएगा। और दूसरा कि विवाद की अभी भी कुछ शेष गुंजाइश है। वह कैसे? वह तब है कि यदि राज्यपाल उन विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजना शुरू कर देते हैं जिन्हें वे अस्वीकार करते हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। क्यों? इसलिए क्योंकि जो विधानसभा या विधानमंडल होते हैं या जो विधायिका होती है वह प्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। इसलिए विधानमंडल या विधानसभा के द्वारा पारित विधेयकों को राज्यपाल को निलंबन में नहीं डालना चाहिए, बल्कि उनको तय समय सीमा के भीतर उस पर अपनी सहमति दे देनी चाहिए। इस प्रकार आज के इस एडिटोरियल से रिलेटेड भाग में हमने यह देखा कि केंद्र और राज्य के बीच में जो तकरार होते हैं वो तकरार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर पड़ता है विधि बनाने की शक्ति पर, और उस विधि पर जो लोगों के कल्याण के लिए बहुत ही जरूरी है वह विधि सही रूप में लागू नहीं हो पाती है, जिससे एक अनावश्यक देरी होती है लोक कल्याण के कार्यक्रमों में। इस प्रकार इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।